राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल से आपा, जहाँ पे मिलते हैं आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट। दोस्तों, आज रात के राधा कृष्ण एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि कैसे यहाँ पर जो शुक्राचार्य हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हो रहे होते हैं, ये सोच करके कि आखिर राहु केतु की माया कब काम करेगी। और यहाँ पर राधा बहुत ज़्यादा थक चुकी होती हैं, परेशान भी होती हैं। पार्वती माता उनसे कहती हैं कि तुम बहुत ज़्यादा थक चुकी हो, अब तुम्हें विश्राम करना चाहिए, कल तुम्हें नवमी की पूजा के लिए भी खास तौर पर उठना होगा। तभी यहाँ पर माता पार्वती की बात सुनकर राधा रानी जाने लगती हैं, लेकिन तभी वहाँ पर गणेश प्रकट होते हैं और वो पार्वती माता से कहते हैं कि माता, नौ ग्रहों में सभी की माताओं का आवरण होता है और आपसे मैं कितना प्रेम करता हूँ ये कोई नहीं जानता। नौ रूपों में से एक रूप है स्कंद माता, नौ देवियों में से, और ज्येष्ठ भ्राता कार्तिकेय की माता भी हैं। वो संसार ये सब जानता है, लेकिन ये संसार नहीं जानता कि गणेश भी अपनी माता से अत्यधिक प्रेम करता है, भला उन्हें ये कैसे ज्ञात होगा। तभी देवी पार्वती यहाँ पर गणेश को अपना आशीर्वाद देती हैं और कहती हैं कि मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि आज से सभी लोग आज के दिन मुझे तुम्हारी माता के रूप में पूजेंगे। और ये सुनकर के गणेश खुश हो जाते हैं। यहाँ पर जो श्री कृष्ण हैं वो बलराम राव से कह रहे होते हैं कि हमें कुछ ना कुछ करके अपनी अपनी पत्नियों को ढूंढना होगा और आप भी राधा का पता लगाइए। यहाँ पर राधा जाने ही वाली होती हैं, लेकिन तभी पार्वती बहुत ज़्यादा उदास होती हैं और रोने लगती हैं। ये देखकर राधा उनके पास आती हैं और कहती हैं कि क्या हुआ। यहाँ पर पार्वती कहती हैं कि मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं सबको कैसे यकीन दिलाऊंगी कि हमेशा महादेव ने मुझे प्रसन्न रखने का प्रयास किया है, उन्होंने मुझे हमेशा खुश रखा है। तभी राधा आती हैं और कहती हैं कि यही विचार मेरा कृष्ण के बारे में है, लेकिन हम बाकी सबको कैसे विश्वास दिलाएंगे। तभी यहाँ पर कहती हैं माता पार्वती कि मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि हमारे ऊपर किसी ने कोई माया की थी और अब हमें मिलकर के उन सभी स्त्रियों को बताना होगा कि ये सब कुछ हमारा दोष नहीं था, ये हमारे ऊपर माया थी, उसका असर था। यहाँ पर द्वारिका में श्री कृष्ण सभी से कहते हैं कि हमें मिलकर अपनी अपनी धर्मपत्नियों को ढूंढना होगा, उसके लिए हमें मिलकर के कार्य करना होगा। यहाँ पर शुक्राचार्य बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं राहु केतु की बात सुनकर, क्योंकि काल सर्दोष की बात यहाँ पर आ रही होती है और यहाँ पर राहु और केतु का वो कवच तोड़ देते हैं, जिससे वो लोग बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और वो मिलकर के माया करना शुरू करते हैं। यहाँ देवी पार्वती राधा के साथ मिलकर सभी स्त्रियों के पास आती हैं और उनको यही बात बताती हैं कि हमारे ऊपर किसी ने छल किया था और हमारे पति हमसे बहुत प्रेम करते हैं, हमारे कहने पर एक एक बार आप सब आँख बंद करके सिर्फ अपने पति के साथ बिताए हुए वो प्यार भरे पलों को याद कीजिए, उसके बाद जो आप निर्णय लेंगे वो उचित होगा, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम तक कभी भी कोई पहुंच नहीं पाएगा और हम तक ये लोग पहुंच पाए इसके लिए हमें अपने ही द्वारा बनाए गए इस जाल को तोड़ना होगा। सबकी बात मानकर के हर कोई वहाँ पर मौजूद स्त्री आँख बंद करती है और अपने पति के साथ बिताए हुए खूबसूरत पलों को याद करती है और सबको यह आभास हो जाता है कि उनके पति उनसे कितना प्रेम करते हैं। यह शुक्राचार्य राहु और केतु का कवच तोड़ देते हैं और उनको और भी ज़्यादा शक्तिशाली महसूस करवाते हैं। यहाँ राहु और केतु मिलकर के सारे नौ ग्रहों का आवाहन करते हैं और सबको मिलकर के श्री कृष्ण के खिलाफ इस्तेमाल करने की बात करते हैं। और यहाँ पर वो राधा और कृष्ण को कभी ना मिलने देने के लिए सबसे बात करते हैं और सब मिलकर के कहते हैं कि हम तुम्हारा साथ देंगे, राधा कृष्ण को कभी नहीं मिलना है ये हम सुनिश्चित करेंगे और ना हम उन्हें मिलने देंगे। यही सब दिखाया जाएगा आपके आगे आने वाले एपिसोड में। ऐसे ही मजेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।